पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। यह है वो खबर जो हम आपको तकरीबन हर रोज सुना रहे हैं। इस धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है और सड़कों पर गाड़ियों का तसादुम भी होता है। ये धुंध सियासी मंजरनामे पर भी छाई हुई है और अब सियासत के बड़ों को बार बार महकमा मौसमियात वाला काम करना पड़ रहा है। वजीर आजम हो, सदर मुमलिकत या मियाँ साहिबान, सभी जमहूरियत के ट्रैक पर वजारत की गाड़ियां चलाने वालों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत करते हैं। कभी मोटरवे की तरह जमहूरियत का ट्रैक बयानात के लिए बंद कर दिया जाता है तो कभी इसके बाद सेक्शंस को इस तरह बंद किया जाता है कि बाज़ वज़रा की जुबाबंदी कर दी जाती है, फिर भी तसादुम हो ही गया है। और अगर उन्होंने यहाँ पे आगे दरबार लगाने हैं तो फिर उनको दरबारी अपनी पार्टी से तो मैसर आ सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो उम्मीद ना रखे। मुझे इंतहाई अफसोस है मुस्लिम लीग नून की क्यादत से, और जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो इस बात पे मैं उनसे जरूर इत्तेजाज करूंगा। तुम अपने आप को देख कर बयान दो, अगर हुकूमत पंजाब नून लीग का ये स्पोक्समैन है तो फिर अल्लाह ही हाफज है। ये थे दो तरफा ट्रैफिक के तसादुम के वाकयात, लेकिन धुंध इतनी शदीद है कि बाज मोटरिस्ट अपनी गाड़ियां ट्रैक से दाएं बाएं भी दे मारते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मियां शहबाज शरीफ साहब की रात को कोई मुलाकात हुई है जिसकी शायद कल तर्दीद भी आई थी, लेकिन वो तर्दीद बड़ी मुहम थी। ये बड़ी अहम बात है। गाड़ी जिस सुतून से टकराई उसका अंदाजा करने पर कायरा साहब ने रिवर्स गियर डाला और धुंध की ट्रैफिक पुलिस यानी मीडिया को बताया कि ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं। वो शायद बयान मेरा कहने सुनने में कुछ इस तरह हुआ तो मैंने उसकी वजाहत भी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि धुंध आइंदा कई दिनों तक छाई रहेगी। तारिक मतीन, दुनिया न्यूज़।